मेरा सपना है देश का हर नागरिक अपने आप में एक छोटा उद्यम बने। महात्मा गांधी। 75 साल का हिंदुस्तान आज उसी सपने को साकार कर रहा है जो महात्मा गांधी के विचारों में आकार ले रहा था। जैसे बूंद बूंद से समंदर बनता है, वैसे ही छोटे छोटे उद्यमों से स्वरोजगार का विस्तार होता है। आज के हिंदुस्तान में उसी स्वरोजगार और स्वावलंबन को सुनिश्चित कर रहा है एमएसएमई मंत्रालय। ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का ऐसा समूह है जो पिछले 6 दशकों में देश की अर्थव्यवस्था का आधार बन चुका है। आज उनका योगदान देश की जीडीपी में 30% से अधिक है। इसे गति देने के लिए साल 1967 में टूल रूम और तकनीकी संस्थान की शुरुआत की गई थी, जिनके जरिए एमएसएमई के प्रौद्योगिकी केंद्र डिजाइन और विनिर्माण, परिशुद्धता उत्पादन सुविधा समेत व्यवसाय के संपूर्ण कार्यकाल में परामर्श मुहैया कराते हैं। इन सुविधाओं और निरंतर सलाह की बदौलत देश में आज एमएसएमई की संख्या 6,50,00,000 से अधिक हो चुकी है। ये उद्यम 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इनके जरिए 6,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इन उत्पादों की हिस्सेदारी आज देश के कुल निर्यात में निरंतर बढ़ रही है। उद्यमियों की हर जरूरत को ध्यान में रखते हुए एमएसएमई मंत्रालय की भूमिका मुख्य तौर पर 5 श्रेणियों में बटी है। पहली, वित्त सुविधा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी पीएमईजीपी, जिसके जरिए प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को ऋण पर सब्सिडी देकर प्रोत्साहित किया जाता है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट यानी सीजीटीएमएसई। इस ट्रस्ट का उद्देश्य है एमएसएमई के लिए ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाना तथा वित्तीय मदद को कमजोर और वंचित वर्गों की पहुंच में लाना। दूसरा, कौशल विकास। कौशल विकास, उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य है मौजूदा एमएसएमई और नए उद्यमियों की क्षमता बढ़ाना और कौशल विकास के प्रशिक्षण संस्थानों का ढांचागत विकास करना। तीसरा, प्रौद्योगिकी सक्षमता। नए और पुराने दोनों उद्यमियों के लिए यह सहायता बेहद अहम है, क्योंकि उन्नत तकनीक के साथ उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही बढ़ जाती है। ये सहायता अस्पायर, स्फूर्ति और एमएसई सीडीपी जैसी योजनाओं के माध्यम से दी जाती है। चौथा, मार्केटिंग या लिंकेज। अंतरराष्ट्रीय सहयोग स्कीम। इसके जरिए विदेशों में होने वाले व्यापार मेलों, क्रेता विक्रेता बैठकों और कार्यशालाओं में भाग लेने में सहायता दी जाती है। एमएसएमई को प्रापण और विपणन सहायता। इसका उद्देश्य है घरेलू बाजारों को विकसित करना और नई बाजार पहुंच पहलों को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय एससी एसटी हब। इसके जरिए एससी एसटी के बीच उद्यमिता का संवर्धन करना, सहायक व्यवसाय परितंत्र विकसित करना और उनकी क्षमताओं या कौशल को सुदृढ़ करना मुख्य उद्देश्य। पांचवा, उत्पादन प्रतिस्पर्धा। चैंपियंस स्कीम एमएसएमई को प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए उन्हें समर्थ बनाने और जेड प्रमाणीकरण के लिए प्रोत्साहित करती है और उन्हें एमएसएमई चैंपियंस बनने के लिए प्रेरित करती है। एमएसएमई मंत्रालय का दरवाजा हर उद्यमी के लिए खुला है। अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कराकर आप भी एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं के लाभार्थी बन सकते हैं। स्वरोजगार और स्वावलंबन की यह खुशी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक समूह के रूप में एमएसएमई मंत्रालय के साझे प्रयासों की है। ऐसी ही एक पहल आप भी कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं देश के सामूहिक विकास में अपनी साझेदारी की अमूल्य खुशी।